नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने से पहले ही तमाम राजनीतिक पार्टियां लगातार दौरे कर रही हैं। इसी बीच आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बांदा पहुंचेंगे, जहां पर वो कार्यक्रम स्थल पहुंचकर जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इसी के साथ ही उप मुख्यमंत्री सर्किट हाउस पहुंचकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। तो आपको बता दें कि बांदा उप मुख्यमंत्री का आज दौरा है। उप मुख्यमंत्री आज बांदा पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित भी वो करेंगे। उत्तर प्रदेश में दबंगों की दबंगई लगातार देखने को मिल रही है। ताजा मामला कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर एक गरीब किसान खेत में रहने के लिए एक घर बनवा रहा था। तभी कुछ दबंग आए और किसान को घर बनवाने से उन्होंने रोक दिया। किसान का आरोप है कि दबंगों ने इस दौरान किसान के साथ मारपीट भी की, जिसके बाद किसान ने जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा को प्रार्थना पत्र देकर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी सदर को मामले की जाँच करने की जिम्मेदारी दे दी है। तो कन्नौज का एक पूरा मामला है, जहां पर लगातार दबंगों का आतंक देखने के लिए मिल रहा है। दरअसल दबंगों ने किसान की पिटाई कर दी। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन बारात घर में सरकार से अपनी मांगों को लेकर उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन दिल्ली मंडल की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि संयुक्त महासचिव NFIR महासचिव URMU के BC शर्मा रहे। रेलवे संयुक्त महासचिव ने बताया कि इस देश में साल 2020 में ऐसी आपदा आई जिससे COVID-19 कहा गया, जिसमें लगभग 3500 रेलवे कर्मचारियों ने जान देकर अपने लोगों तक बहुत जरूरी सामग्री पहुंचाई, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये मौजूदा सरकार हमारी मांगे दरकिनार कर रही है। लिहाजा बजाय रेलवे कर्मचारी की रोजमर्रा की और उनकी सहूलियत देखने के बजाय मौजूदा सरकार रेलवे का ही निजीकरण करने पर लगी हुई है। आज जो गाजियाबाद में डिवीजन काउंसिल उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन की तरफ से रखी गई है दिल्ली मंडल की, दिल्ली मंडल में दिल्ली और NCR गाजियाबाद और हरियाणा लगभग पूरा मेरी 26 ब्रांचें हैं पूरे इस जोन में, तो सारे ब्रांच सेक्रेटरी ब्रांच प्रेजिडेंट सारे मेरे पदाधिकारी आज गाज़ियाबाद में एकत्रित हुए हैं। और आज इसलिए एकत्रित हुए हैं जो मुख्य मांगे हमारी निजीकरण को लेके है, जो अब बढ़ता जा रहा है। अगर आपने हाल फिलहाल में कल परसों में अगर देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में जो वहाँ पे एयरपोर्ट बंद हुआ क्योंकि बिजली का सारा जो है वहाँ गया, आर्मी लगानी पड़ी। आज इस देश में जो रेलवे इंडस्ट्री है एक यूनिक इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। और ये इंडस्ट्री अभी आपने देखा होगा मार्च 2020 में देश के अंदर एक ऐसी आपदा आई जिसको COVID-19 कहा गया। गाजियाबाद के थाना लोनी क्षेत्र में विकास नाम के युवक हत्याकांड में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। विकास को अज्ञात हमलावरों ने 5 गोलियां मारकर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। तो गाजियाबाद का ये पूरा मामला है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कल DLF में लगभग 11:30 बजे सुबह एक व्यक्ति जिसका नाम विकास था, जो कि यहीं का एक फाइनेंस का और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था, उसके ऊपर कुछ अज्ञात लोगों ने अज्ञात बाइक सवार आए और कई राउंड उनके ऊपर फायर किए, जिससे अधिक रक्त बह जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी जब उनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया। तो मौके से हमको कुछ राउंड्स वगैरह भी मिले थे और इसमें तभी से तत्काल टीमें हमारी लग गई थी। CO साहब के निर्देशन में बहुत अच्छा काम हुआ और हमारे SHO अजय चौधरी और SOG देहात की टीम के विकास, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और समय में लगभग हमको सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी।
बीजेपी की जन विश्वास यात्रा गोंडा पहुंची। इस यात्रा का नेतृत्व तो कानून मंत्री बृजेश पाठक ने किया। इस यात्रा में सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा भी शामिल रहे। मंत्री समेत बीजेपी नेताओं ने छपिया मंदिर में भगवान घनश्याम का दर्शन पूजन किया। इसी के साथ ही गौरा विधानसभा में रथ यात्रा में पहुंचे कानून मंत्री ने जनसभा को संबोधित भी किया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं गोंडा की, जहां पर कई नेता मौजूद रहे। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा पहुंची है। आपको बता दें बीजेपी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में जन विश्वास यात्राएं निकाल रही है। इसी कड़ी में ये यात्रा गोंडा पहुंची, जहां पर कई बीजेपी के नेता मौजूद दिखे। सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री राम अचल राजभर बस्ती पहुंचे, जहां पर वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हुए। राम अचल ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और अखिलेश यादव दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। राम अचल राजभर ने कहा कि बड़े पैमाने पर अखिलेश यादव को जन समर्थन मिल रहा है, जिससे बीजेपी घबराई हुई है और वो अपने शक्ति का प्रयोग कर रही है। तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से लगातार आपको बता दें कि काम तो किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में पूर्व कैबिनेट मंत्री बस्ती पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा, क्योंकि बीजेपी लगातार सत्ता में वापस आने की बात कह रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी हो या तमाम विपक्षी पार्टी हो, वो बीजेपी को घेरती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए चुनाव जब जब नजदीक आता है, चुनाव जब जब नज़दीक आता है, आज बड़े पैमाने पर जन समर्थन माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मिल रहा है, तो आज केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार बौखला गई है और वो अपने शक्ति का प्रयोग कर रही है कि जो करीबी हैं उनके यहाँ छापा डलवा रही है, उनको परेशान कर रही है। तो ये तो करीब इनके जब जब जहाँ भी चुनाव होता, चाहे आप बंगाल देख लीजिए, आप बिहार देख, यूपी में चुनाव होने जा रहा था, यहाँ भी कर रहे हैं। हरदोई के सुरसा थाना इलाके के बौसरा बिरहामपुर गांव में एक निर्माणाधीन छज्जा गिर जाने से एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मलबे में करीब आधा एक घंटे तक शव फंसा रहा। परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से जेसीबी मशीन मंगवा कर शव को मलबे से बाहर निकाला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हरदोई का ये पूरा मामला है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। निर्माणाधीन छज्जा गिरने से पूरा हादसा हो गया, जिससे दबने से महिला की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। क्षेत्र के अंतर्गत बिरहामपुर गांव में एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें एक दुर्घटनावश जिसमें जीने का एक निर्माण हुआ था और उस निर्माण के बाद आज महिला उस जीने के नीचे काम कर रही थी, तो अचानक उसके गिर जाने के कारण मलबे में दब के महिला की मृत्यु हो गई। तत्काल बॉडी को रिकवर किया गया और निकाल कर बताया गया है। मैं अग्रिम विधि का सकते हैं कि निर्माणधीन छज्जा गिरने से एक महिला दब गई उसके नीचे, जिससे महिला की जान चली गई। तस्वीरें भी देख सकते हैं। हालांकि फिर आपको बता दें कि जेसीबी की मदद से महिला को निकलवाया गया, साथ ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए महिला के शव को भेज दिया है।